अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो एक्सरसाइज है 5.3 ऑन पेज नंबर 77। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ऐड द फॉलोइंग। तो हमने इस वैल्यू में सिंपल ऐड करना है, लेकिन डेसिमल को डेसिमल की जगह ही रखेंगे, 2.37। और अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगी अपना सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए, हम उसकी जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। हमने सेम जैसे हम ऐड करते हैं बाकी नंबर्स, तो 7 + 4 = 11, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 + 3 = 12। अब यहाँ 12 नहीं लिखना पूरा, 2 यहाँ डेसिमल इधर पुट करेंगे और 1 इधर कैरी आ जाएगा। 9 और 1 10 + 2 = 12। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 12.21। ये ए पार्ट था। ऐसे अब मैं आपको इसका डी पार्ट कराती हूँ, 138.07432.93। इनको हम ऐड करेंगे, 7 + 3 = 10, 0 1 कैरी, 9 और 1 10, यहाँ पे 0 पॉइंट की जगह पॉइंट और 1 इधर कैरी आ जाएगा। 8 + 2 = 10 और 1 = 11, 3 + 3 = 6 और 1 = 7, और 4 + 1 = 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 21.48, 9.87 और 5.46। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे। अब इन तीन वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 8 + 7 = 15 + 6 = 21, 1 2 कैरी, 4 + 2 = 6, 8 + 6 = 14 और 4 = 18 हो गया। 8 यहाँ डेसिमल की जगह जाए ये, और 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 11, 5 + 16 = 6 और 1 कैरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसका हम करते हैं डी पार्ट, इसका भी डी पार्ट कर लेते हैं। तो 19.39, 109.89 और 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे हम 919.99। अब देखिए कहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, इधर नहीं है और इधर, जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0, ताकि हमारा ना सीक्वेंस कंप्लीट हो। अब हम इनको प्लस करेंगे, 7 आ गया यहाँ पे, 27, 7 और 2 कैरी, 3 + 2 = 5, 8 और 5 = 13, 13 और 9 = 22, 2 यहाँ और 2 कैरी आ गया। फिर ये 9 + 9 + 9, 27 और 2 29, 9 यहाँ पे और 2 कैरी आ गया। फिर 2 + 1 = 3 + 1 = 4 और यहाँ पे 9 और 1 = 10। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, समझ के करेंगे, बस आपने ये देखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट हमने क्या करना है, 11.40 ए पार्ट है, और इसमें सबट्रैक्ट करना है 8.87। यहाँ पे हम 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3। 10 - 7 = 3। अब 3 में से भी 8 नहीं हम सबट्रैक्ट कर सकते, हम यहाँ से 1 एक बोरो करेंगे, 13 - 8 = 5 हो गया। और यहाँ से हम 1 उधर ले गए थे, तो इधर क्या रह गया था, 0, और 10 में से 8 क्या, 2। आंसर क्या आ गया इसका, 2.53।
बी पार्ट है इसका 84.00 54.65। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ज़ीरो में से फाइव को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, टेन में से फाइव गया फाइव, यहाँ क्या रह गया नाइन, क्योंकि इधर से बोरो करके आए थे और इधर थ्री रह गए। नाइन में से सिक्स माइनस करें थ्री, और थ्री में से फोर को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, हमने वन यहाँ बोरो किया और यहाँ क्या रह गया सेवन। थर्टीन में से फोर गया नाइन, और सेवन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट किया 29.35 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर में है सब्ट्रैक्ट द डेसिमल। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर में कि 198.86 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को फ्रॉम 207.3। तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम पहले राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में 207.3 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 198.86। अब सिक्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो में से सिक्स को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, यहाँ से वन बोरो करेंगे। टेन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट किया फोर, यहाँ क्या रह गया था टू। अब इधर से वन बोरो इधर करें ट्वेल्व, एट माइनस एट फोर, यहाँ क्या रह गया था सिक्स। अब इधर से ये वन इधर आया, ये टेन बना, और यहाँ से वन इधर आया और इधर नाइन बचा, तो सिक्सटीन माइनस एट एट, यहाँ नाइन में से नाइन गया ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो, ये इसका आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट के बाद वाली जो सॉरी फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम पहले राइट करेंगे। अब 23.46, यहाँ वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ ज़ीरो पुट कर दिया। सिक्स में से ज़ीरो गया सिक्स, एलेवन में से सिक्स माइनस करें तो फाइव, और यहाँ क्या रह गया था थ्री। थर्टीन में से फोर सब्ट्रैक्ट करें तो नाइन, यहाँ से वन बोरो चला गया तो टू रह गया, और ट्वेल्व में से थ्री गया नाइन, और इधर क्या रह गया ज़ीरो, और फिर टेन में से टू गया एट, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको क्या करना है आपने 500 - 71.48 + 14.37। एक तो इसका ये मेथड है कि इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ प्लस है, इसके साथ क्या है प्लस है, ये भी प्लस किए ये भी प्लस किए, इन दोनों को प्लस कर लें और जो आंसर आएगा फिर उसमें से हम ये वाला आंसर माइनस कर देंगे। हम अभी हम किसको सॉल्व कर रहे हैं 500 और इसको, तो रफ वर्क में करते हैं 500 + 14.37, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, यहाँ वैल्यू नहीं है तो हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे। इन टू वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम प्लस कर लेते हैं, 7 + 0 और 3 + 0 3, 4, 5 और 1, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 514.37, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 71.48। तो ये सारा रफ वर्क इसके साथ ही करना है, यहाँ पे करना है हमें। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 514.37 71.48, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 17 में से 8 गया 14, 15, 16, 17 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ क्या रह गया था 2, तो कैरी कर लें बोरो कर लेंगे। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 8, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 1 माइनस करें 2, और उसके बाद यहाँ क्या रह गया था 1 ही था, 1 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, 11 माइनस 7 1 बोरो करेंगे, और यहाँ 4 रह गया 4, और यहाँ पे 442.89, ये हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसी तरह इसका बी सी और डी है, एक पार्ट और कर लेते हैं,
और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ये था हमारा, अब सी पार्ट कर लेते हैं। 113.416 -48.5 +7.83 -21.34। अब इसमें देखें ये और ये वैल्यू, ये दोनों प्लस की, तो हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 113.416 और प्लस करने 7.83, यहाँ वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो पुट कर देंगे। 6, 4, 12, 11, 1 carry, 2, 1 ये आ गया। अब हम लिखेंगे 121.246 -48.5 -21.34। तो पहले हम इसमें से अब माइनस कर देंगे 48.5, ये टू वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। 6, 4, 12 में से 5 गया 7, यहाँ से 1 इधर आ गया, इधर 0 रह गया। 10 में से 8 गया 2, और इधर क्या रह गया 1। 11 में से 4 गया 7। अब 72.746 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 21.34, यहाँ 0, इसको सबट्रैक्ट करें। 6, 0, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 2 कट करें तो 5। ये आंसर हमारा आ गया 51.406। सी पार्ट कर दिया है, और अब इसी तरह इसके बाकी दो पार्ट्स भी होंगे। अब इसी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम भी हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 78 पे, वर्ड शुड बी एडिड टू 26.8 टू गेट 39.06। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, थर्टी 9.06, इसमें से हम 26.8 अगर सबट्रैक्ट कर दें, 10 यहाँ पे 8 रह गया, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी 12.26। अगर हम ये 12.26 26.2 में ऐड करें तो फिर हम ये नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड ऐड 12.26 इन 26.8 टू गेट 39.06। ये लिखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 207.3 टू गेट 198.86। तो ये 207.3 में से हम 198.86, यहाँ नंबर नहीं है तो ज़ीरो कर देंगे, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 6 के 4, यहाँ पे 2, 12 में से 8 के 4, यहाँ क्या रह गया था 6, और इधर से 1 बोरो करके लाएं तो 16 में से 8 के 8, यहाँ क्या रह गया था 9, 0, और बस ये 8.44 आ गया। तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 8.44 फ्रॉम 207.3 टू गेट 198.86। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये है 34 पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर। क्या गिवन है हमारे पास, 34.12। वन नंबर इज, जो वन नंबर गिवन है इसमें वो है 21.697,
और फाइंड द अदर, तो हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 697, यहाँ वैल्यू नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा अदर नंबर होगा 3, यहाँ क्या रह गया 1, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 0 रह गया, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ क्या रह गया फिर 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। ये क्या आंसर आया हमारे पास 12.423। तो सो द सेकेंड नंबर इज 12.423, ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, यूसुफ गोज टू मार्केट विद ₹100, ही परचेज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹45.96, हाउ मच मनी लेफ्ट इज लेफ्ट विद हिम। तो यूसुफ, क्वेश्चन नंबर 9, यूसुफ हैव मनी ₹100, ही बॉट ज्योमेट्री कितने में ली है ₹45.96, तो हम इसमें से 100 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 रह गया 0, और इधर क्या रह गया 9 और 9, 9 में से 5 गया 4, और फिर 9 में से 4 गए तो 5, मनी लेफ्ट 54.04। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ ड्रम कंटेन्स 60 लीटर ऑफ पेट्रोल, ऑफ दिस 19.75 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इन वन बकेट एंड 7.68 लीटर वाज पोर्ड इन अनदर बकेट, हाउ मच पेट्रोल लेफ्ट इन द ड्रम। तो हम लिखेंगे पहले पेट्रोल इन ड्रम, टोटल पहले कितना था 60 लीटर और हमने पोर इन वन बकेट, पोर इन वन बकेट में कितना डाला 19.75 लीटर, और इन एन अदर बकेट में या सेकंड बकेट में डाला हमने एन अदर बकेट में डाला है 7.68 लीटर। तो अब बाकी उसमें बचा कितना, तो हम क्या करेंगे इसकी पहले यूँ बनाएंगे, 60 लीटर में से हमने 19.75 सब्ट्रैक्ट करना और फिर 7.68 लीटर को सब्ट्रैक्ट करना। तो जब हम 60, इसका रफ वर्क अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 60.00 19.75, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे कितना रह गया 9 में से 7 गए 2, और यहाँ क्या रह गया था 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या रह गया था 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे बचा 40.25 माइनस 7.68। अब इसमें से हम 7.68 भी माइनस कर देते हैं, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 6 गया 5, यहाँ क्या रह गया था 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 3, तो टोटल कितना रह गया 32.557। सो 32.57 लीटर पेट्रोल लेफ्ट। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और आपके मैसेजेस आते हैं कि फलां फलां चैप्टर करते हैं, तो मैं
वन बाय वन मेरी कोशिश है कि मैं डेली की एक एक्सरसाइज अपलोड करती आ करूँ। आप जो हैं वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि औरों का भी फ़ायदा हो और मेरा भी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।